بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين وعن ابي جعفر عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال اردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه واسر الي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم هدف أو حائش نخل يعني حائط نخل رواه مسلم هكذا مختصرا. حضرت ابو جعفر عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے سواری کے پیچھے بٹھا لیا, मेरे साथ राजदारी की एक बात की जो मैं किसी से बयान नहीं करूंगा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कज़ाए हाजत के लिए दीवार या खजूर के झुंड का पर्दा करने को ज़्यादा अच्छा समझते थे। मुस्लिम ने इसको इसी तरह इख्तसार के साथ रिवायत किया। इस हदीस में ये बताया जा रहा है कि सफ़र का एक अदब ये भी है कि जब कज़ाए हाजत के लिए जाएं तो ऐसी जगह को तलाश करें जिसमें पर्दा हो, और ये सफ़र में भी है हज़र में भी है, यानी अगर मुकीम है तब भी कोई ऐसी जगह हो, क्योंकि अक्सर जहाँ पे हम रहते हो वहाँ पे तो हमें ऐसी जगहों का पता होता है, इल्म होता है, लेकिन जब सफ़र में हो तो तब हमें देख भाल कर सोच कर देखना चाहिए कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर पर्दा ज़्यादा है। तो इसमें फरमाया हज़रत अबू जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक सरगोशी वाली बात कही, यानी हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र ये कहते हैं कि असर्रा ली हदीसन ला उहद्दिसु बिही अहदन मिनन्नास, और मैं इस बात को किसी से बयान भी नहीं करूँगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र से कही वह यकीनन कोई ज़ाती नौयत की बात होगी, वरना शरीयत की बात को छुपाना जायज़ नहीं। तो इससे मालूम हुआ कि ये उनके अपने राज की बात थी, इसीलिए उन्होंने इसको छुपा लिया। इस हदीस के जो रावी हैं हज़रत अबू जाफ़र अब्दुल्ला बिन जाफ़र, इनका नाम अब्दुल्ला है, अबू जाफ़र इनकी कुनियत है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई और हज़रत जाफ़र तैयार के लड़के हैं। जब इनके वालिद यानी जाफ़र ने हबशा की तरफ हिजरत की तो अब्दुल्ला हिजरत के दौरान यानी हिजरत हबशा ही के दौरान पैदा हुए, और जब 7 हिजरी में हज़रत जाफ़र मदीना आए तो हज़रत अब्दुल्ला की उम्र भी 7 साल की थी। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बैत भी फरमाया। फिर कुछ अरसे बाद हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु ग़ज़वा मौता में शहीद हो गए, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अब्दुल्ला से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया कि अब्दुल्ला बिन जाफ़र तो सूरतन और सीरतन ये मेरे मुशाबे है। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र करीमुन नफ्स, फियाज, खुश तबा, खुश खल्क, अफीफ, पाक दामन और सच्चे थे। जब इब्ने मलजम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया तो इनके कसास में अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने ही इसके हाथ और पांव काटकर बदला लिया था। 80 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में इनका इंतकाल हुआ। मदीना के गवर्नर अबान बिन उस्मान ने अपने हाथ से कफन पहनाया और जनाजे को कंधा दिया, और जन्नतुल बकी में ये मदफून हुए। इनके जनाजे में बहुत ज़्यादा लोग थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो इस वक्त हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु की उम्र तकरीबन 10 साल थी, मगर इस बचपन के ज़माने में भी इन्होंने चंद अहादीस याद की, और उनमें से 2 अहादीसें जो हैं वो बुखारी और मुस्लिम में मौजूद हैं। वज़ादा फ़ीहिल बरकानीचु बिइस्नाद मुस्लिम हाज़ा बादा कौलिही हाइशु नखल, और बरकानी ने मुस्लिम की सनद के साथ हाइशु नखल के बाद ये इजाफा भी किया है, फदखला हाइतन لرجل من الانصار فاذا فيه جمل فلما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم
जर्जरा वजरफत अईनाह फअताहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमसहा सुरातहु अईसनामह वज़िफ़राहु फसकना फ़क़ाल मन रब्बु हाज़ल जमल लिमन हाज़ल जमल फजाअ फतन मिन अल-अंसार फ़क़ाल हाज़ली या रसूलल्लाह फ़क़ाल अफ़ला तत्तकिल्लाह फ़ी हाज़िहिल बहीमत अल्लती मल्लकक अल्लाह इयाह फ़इन्नहु यश्कु इलैया अन्नका तुजीउहु व तुज़ीबुहु रवाहु अबू दाऊद का रिवायत अल बरकानी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी आदमी के बाग में दाखिल हुए तो वहाँ एक ऊंट था। जब ऊंट ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो बिलबिलाया और इसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके पास आए और इसके कोहान और कान के पिछले हिस्से पर हाथ फेरा तो वह चुप हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया कि इस ऊंट का मालिक कौन है, ये ऊंट किसका है। बस एक नौजवान अंसारी आया, इसने कहा या रसूलल्लाह ये मेरा ऊंट है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम इस जानवर के बारे में जिसका तुझको अल्लाह ने मालिक बनाया अल्लाह जल्ला शानु से नहीं डरते, क्योंकि इसने मुझसे शिकायत की है कि तुम इसे भूखा रखते हो और वह थक जाता है। अबू दाऊद ने बरकानी की रिवायत की तरह इसे बयान किया। तो इस हदीस में भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों के साथ मेहरबानी और शफकत करने का फरमाया। जैसे कि इसमें है कि जानवर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि इसे भूखा रखता है और इसे काम ज़्यादा लेता है, यानी इसे थका देता है। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा था कि आपको मालूम हो गया कि ये ऊँट क्या कह रहा है और इसका मालिक इसको खुराक तो कम देता ही है लेकिन इसे काम भी ज़्यादा लेता है। तो ये जानवर पर जुल्म करना इस्लाम ने इससे मना किया। तो देखें कि एक ऐसा मज़हब जो जानवरों पर जुल्म करने से मना करता है वो इंसानों पर जुल्म करने की तरगीब कैसे देगा। तो इससे मालूम हुआ कि दीन इस्लाम जो है ये मेहरबानी और शफकत का दीन है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को नापसंद किया कि मालिक जानवर को कम दे, खाने को कम दे लेकिन उससे काम ज़्यादा ले। कौलुहु ज़िफ़राहु हुआ बिकसरी ज़ाल मुअज़्ज़मा व इस्कान अल्फ़ा व हुआ लफ़्ज़ुल मुफ़रदुल मुअन्नसुन क़ाला अहलुल लुग़ति अज़्ज़िफ़रा अल-मौज़िउ अल्लज़ी यअरकु मिन अल-बईरी खल्फ अल-उज़ुन। ज़िफ़राहु, ज़िफ़राहु ज़ाल के नीचे ज़ेर और फ़ा साकिन है। ये लफ्ज़ मुफ़रद और मुअन्नस है। अहले लुगत ने कहा अज़्ज़िफ़र यानी ऊँट के कान का वो पिछला हिस्सा जिस पर पसीना आता है। वो कौलुहु तुद इबुहु ऐ तुत इबुहु और तुद इबुहु बमाना तुत इबुहु यानी इसको थका देता है। तो ये मुश्किल अल्फाज की तशरीह थी जो इमाम नवी रहिमहुल्ला ने फरमाई। वअन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु قال كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى نحل الرحال رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم। حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارا یہ معمول تھا کہ جب ہم سب کسی منزل پر اترتے تو اپنے سواریوں کے پالان اتارنے سے پہلے نفلی نماز نہیں پڑھتے۔ اسے ابو داود نے شرط مسلم کی سند کے ساتھ بیان کیا۔ قوله لا نسبح اي لا نصلي النافله ومعناه ان كنا مع حرصنا على الصلاه لا نقدمها على هتي الرحال وإراحة الدواب۔ لا نسبح کے معنی ہے کہ ہم نفل نماز نہیں پڑھتے اور مطلب یہ کہ ہم باوجود نفل نماز پڑھنے یا شوق رکھنے کے हम नमाज को पालान उतारने और जानवरों को आराम पहुंचाने पर मुकद्दम नहीं करते थे। इस हदीस में जो लफ्ज़ है हत्ता नहुल्ला ये जमा मुतकल्लिम का सीगा है बाब नासरा यनसुरु से। इसके मसदरी माना है खोलना। ये बाब ज़वरबा से भी आता है
और अगर इसके सिले में अल मकान हो तो फिर इसका मतलब होगा उतारना। तो इस हदीस मुबारक में फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किस कदर जानवरों के आराम का ख्याल फरमाते थे। रिहाल रहल उनके जमा है जिसके माना है पालान या कचावा, यानी सवारी के जानवर पर बैठने के लिए जो गद्दी वगैरह रखी जाती है ताकि सवारी करने वाला इस पर आराम से बैठ जाए और बकदरे ज़रूरत इस पर सामान भी रख ले तो उसको कचावा कहते हैं। तो सहाबी फरमाते हैं कि हम इस कचावे के उतारने में इतनी जल्दी करते कि हमारे नफल नमाज पढ़ने में भी हम पहले इसको उतारते फिर नफल नमाज पढ़ते। तो बाज हजरात ये फरमाते हैं कि यहाँ पर जो ला नुसब्बिहु है इसका इतलाक चाश्त की नमाज के लिए है, क्योंकि इस ज़माने में आम तौर से मंजिलों पर उतरने का वक्त चाश्त ही का होता था। बहरहाल मतलब ये है कि सहाबा इकराम जब भी कहीं सस्ताने के लिए ठहरते तो सबसे पहले जानवरों के बोझ को उतारते ताकि इसे भी कुछ राहत और आराम मिल जाए, हत्ता कि नमाज भी इसके बाद पढ़ते। तो इससे मालूम हुआ कि इस्लाम में जानवरों के हकूक भी हैं, यानी हमारी शरीयत में जिस तरह के इंसानों के हकूक बयान किए गए इसी तरह जानवरों के भी हकूक बयान किए गए कि जब तुम किसी सफ़र में हो खुद थकावट महसूस करो तो थकावट को दूर करने के लिए जिस तरह तुम आराम चाहते हो इसी तरह जानवरों के भी आराम का ख्याल किया जाए। उम्मीद है कि आपको आज का सबक समझ आ गया होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।